ये आपकी जो कावड़ है ये नोटों से बनी कावड़ है, बहुत चर्चे में बनी हुई इस बार ये। बोले इसमें 200 के नोट लगे हैं, 500 के नोट लगे हैं और 100 के नोट लगे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूँ विशाल। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं नोटों से बनी हुई कावड़ जो है मुजफ्फरनगर पहुँची है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी ये कावड़ है और यहाँ पर आप देखिए सामने इसमें यहाँ पर जो है राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता जी हैं, हनुमान जी हैं, तो बहुत ही विशाल कावड़ है। भोलों से बातचीत करते हैं कि कहाँ के भोले हैं और क्या ऐसी मनोकामना थी इनकी जो इतनी बड़ी विशाल कावड़ लेकर आए हैं। क्या नाम है बोले आपका? बोले सन्नी। कहाँ के रहने वाले? बोले नांगलोई दिल्ली। तो बोले आप जो है नोटों से बनी कावड़ लेके आए हैं? हाँ जी बोले, नोटों से बनी हुई नहीं लाए, बनाई यहीं पे। आपने खुद ही बनाई है? हाँ जी बोले, असली नोटों की बनी हुई है। हाँ जी बोले, असली नोट है। असली नोट है? अच्छा जी, आपने तो बहुत बड़ी बना रखी, दिखा दो एक बार पीछे से, दिखाओ असली नोटों की। अभी कितने बोले हुए हैं आप? बोले 9 बोले हम पूरी टीम में। कैसी याद रही आपकी? बोले बढ़िया है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? नहीं बोले, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह शिविर लगे हुए, हर एक चीज की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं पड़ी। व्यवस्था कैसी लगी आपको पीछे? बोले व्यवस्था तो ठीक ठाक है, हर एक चीज की कोई कमी नहीं। मुजफ्फरनगर पहुंच के कैसा लग रहा है आपको? यहाँ भी बोले अभी तो शुरुआत है, अभी मुजफ्फरनगर में घुसे, अभी आगे जाके और देखेंगे। अच्छा, क्या लगता है कब तक पहुंच जाएंगे दिल्ली? बोले हमारे तो पहुंच ही जाएंगे, बोले की दया से 22 तारीख तक। तो आपकी ऐसी क्या मनोकामना थी कि आप नोटों से बना के लाए हैं कावड़ को, आपने खुद ही बनाई है? बोले सबकी अलग अलग होती है, किसी का कैसा मन रहता है अपने मन के हिसाब से ले आते। बोले आपके मन में क्या है? बोले बोले मन में तो कुछ नहीं है, बस भगवान कृपा बनाए रखे। ये आपकी जो कावड़ है ये नोटों से बनी कावड़ है, बहुत चर्चे में बनी हुई इस बार ये। बोले ऐसे ही होता है, हमारे दिल को काफी सालों से ला रहे, 2-3 सालों से। इससे पहले किस तरह की कावड़ लाते थे आप? बोले शुरुआत से ये कावड़ आती है। तो कौन कौन से नोटों से बना रखी है आपने कावड़? बोले इसमें 200 के नोट लगे हैं, 500 के नोट लगे हैं और 100 के नोट लगे हैं। अच्छा, कितना खर्चा आ गया आपके इसमें? कितने मतलब कितने नोट लगा रखे हैं आप इसमें? बोले नोटों की तो गिनती नहीं करी हमने, लेकिन 251,000 इसमें लगे हुए हैं। 251,000 रुपए लगा रखे पूरे आपने? हाँ बोले। और क्या क्या आपकी कावड़ में, एक बार दिखवा भी देते हैं पास से, एक बार आप थोड़ा बताते रहो, आप यहाँ से बता दो, आज उधर आज बोले थोड़ा सा यहाँ से बताओ, बोले थोड़ा सा थोड़े इधर को बताओ, आगे तो आप यहाँ से बताओ आपने क्या क्या लगा रखा है, एक बार कावड़ पे आप दिखाओ क्या क्या लगा रखा है। बोले हमने नोट लगा रखे हैं, पहले तो पीछे पूरी ये कॉलम खड़े करके स्टील की, पीछे इसके अंदर वो है, उसके बाद ये बना दिया है, उसके अंदर राम जी बैठे हुए, हमारे लक्ष्मण जी बैठे हुए, सीता जी बैठे, आगे हमारे शिवलिंग है, भोले जी बैठे, हनुमान जी भी है। बोले तो मतलब कितनी ऊंचाई कावड़ की कितनी है आपकी? बोले ऊंचाई तो हमने नाप ही नहीं, इतना वो नहीं करते। अच्छा, और चौड़ाई? चौड़ाई होगी बोले, बोले ये सब नहीं देखते हम, बस कावड़ बना के चलने दो। वजन कितना होगा आपकी कावड़ का? वजन तो होगा बोले कम से कम 70-80 किलो होगा। अच्छा, चारों तरफ आपने नोट ही लगा रखे हैं, एक बार दिखवा दो, आ जाओ तो आप देख सकते हैं इनकी नोटों से बनी हुई कावड़ है, सामने से आप दिखा दो एक बार। यहाँ पर आपने 200 के नोट लगा रखे हैं? हाँ बोले, ये देखो 200 के नोट लगे हुए हैं यहाँ पे पूरे, ऊपर जय भोले की लिखा है, इसमें भोले 500 का है, बाकी जय और भोले की उसमें 100-100 के नोट लगे हैं, लगा रखे। और पीछे की साइड भी आपने 100-100 के लगा रखे हैं? हाँ बोले, पीछे की साइड और ये बगल में साइड में 100-100 के नोट लगे हुए हैं। यहाँ पीछे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है उन्होंने 100-100 के नोट लगा रखे हैं, ये देख सकते हैं आप, इनकी जो है चौथी विशाल कावड़ है। तो आप कब चले थे भोले दिल्ली से? बोले दिल्ली से हम चले थे 22 तारीख को। 22 तारीख को चले थे, तो जल्द से पहले आप पहुंच जाएंगे? बिल्कुल बोले, हर बार पहुंचते हैं, इस बार ही पहुंचेंगे। कैसे आप लेकर आए यात्रा, कैसी रही एक्सपीरियंस का आपका, कैसा रहा? बोले एक्सपीरियंस तो बढ़िया था, हर बार लाते हैं, कोई दिक्कत पड़ती नहीं है। इस बार क्या बदलाव देख रहे हैं आप? बोले बदलाव यही, इस बार ज्यादा बढ़िया बदलाव है, शिविर वगैरह थोड़े ज्यादा लगाए गए हैं, यही सब है। अच्छा, तो एक दिन में आप कितने किलोमीटर चलते हैं? बोले बोले समथिंग 30 से हम 40 चल देते हैं एक दिन में। तो अगर मैं थोड़ी सी इसमें जानकारी दो, आपने ये काउंट कराया कि कितने नोट लगा दिए आपने, 100 के कितने हैं, 200 के कितने हैं? नहीं बोले, जब बनाते हैं कावड़ काउंटिंग नहीं करते हम, बस ये देख लेते हैं कितने लगने, लगाने दो। अच्छा, मतलब ये जो नोट आपने लगा रखे हैं किस चीज़ के ऊपर चिपका रखे हैं? क्या चीज़ बोले? ये जो आपने नोट लगा रखे हैं 100 के 200 के 500 के, किस चीज़ के ऊपर चिपका रखे हैं? बोले चिपकाए हुए नहीं, ये नोट रख के इसके ऊपर स्टेपलर मारे हमने। स्टेपलर मारा, अंदर गत्ते पे लगा रखे हैं? हाँ बोले, अंदर गत्ते, प्लाई बोर्ड है जो पतला वाला रहता है। तो कितना टाइम लगा आपको बनाने में? बोले 12 घंटे में बन गई थी हमारी, 12 घंटे में तैयार कर दी थी। हाँ बोले। अच्छा, कितने बोले लगे हुए थे आप? बोले सारे ही लगे हुए थे, 9 बोले। हाँ बोले, 12 घंटे में तैयार कर दी। बिल्कुल बोले। अच्छा जी, तो अभी जो भोले आएंगे, जो कावड़ लेने के लिए आएंगे, उन्हें क्या कहना चाहते हैं आप? बोले जो यही कहना चाहेंगे, बोले आओ अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक चीज की व्यवस्था है, अपना खुशी मन से आओ भोले की दया से, और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आपने क्या मांगा भोले बाबा से? बोले मांगेंगे क्या, देने के तो भोले बाबा अपने आप दे देते हैं। मांगे आपकी कुछ मनोकामना तो होगी, आपके परिवार बना रहे बस। बोले यही सब मनोकामना है, जिंदगी बढ़िया रहे, परिवार खुश रहे हमारे घर के। क्या कह रहे हैं, परिवार के लिए मांगा? हाँ परिवार के लिए मांगा। क्या मांगा परिवार के लिए? माँ बाप खुश रहे बस, इससे। हाँ, और कुछ नहीं मांगा? तो कुछ नौकरी मांगी आपने? बोले माँ बाप से बड़ी और कोई चीज ही कहा जो मांगेंगे। अच्छा, तो कुछ नौकरी वगैरह नहीं मांगी, कुछ रोजगार? बोले वो सब तो है ही, भगवान की दया से, भोले की दया से। बोले मैं तो एक डीजे ऑपरेटिंग करता हूँ। अच्छा, डीजे ऑपरेटर हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो डीजे कहाँ है आपका? बोले डीजे थोड़ा आगे निकल गया है। डीजे खुद का ही है, कैसा है डीजे? तो हमारे टीम मेंबर का ही है। अच्छा, मेंबर का है। तो अभी यहाँ कब, यहाँ से कब निकलेंगे मुजफ्फरनगर से आप? बोले अभी निकल रहे हैं थोड़ी देर में ही हम, थोड़े हमारा टीम आ रहा है। हाँ बोले। अच्छा, तो आज फिर कहाँ रुकेंगे आप?
बोले आज मुजफ्फरनगर पार करके थोड़ा आगे रुकेंगे। आगे रुकेंगे हाँ। बिल्कुल आप देख सकते हैं भोले हैं जी, इनकी जो है चौथी विशाल कावड़ है। और एक बार आप दिखा दो पीछे से भी, मतलब जो है पूरा इन्होंने नोट से बनाया है इसको। देखो यहाँ पे जो है ना, इधर आपने देखेंगे इधर इन्होंने 100-100 के नोट लगा रखे हैं, और पीछे की ओर यहाँ पर जो है 200-200 के नोट हैं, और आगे जो है 500 के नोट भी लगा रखे हैं। एक बार मैं चारों तरफ से आपको दिखवा देता हूँ, एक बार आप चारों तरफ से दिखवा दो एक बार किस तरह की कावड़ है। देखो बोले किस तरह की कावड़ ये देखो आप, एक बार यहाँ से भी दिखा दो, एक बार यहाँ 100-100 के नोट लगा रखे हैं साइड में, और सामने की ओर मैं एक बार आपको वो भी दिखवा देता हूँ, यहाँ पर भी 200 के नोट लगा रखे हैं। और वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे जो है भोले लिख रहा है ना, वो 500 के नोट से लिखा हुआ है। बाकी इनकी कावड़ आप सामने से देख सकते हैं, यहाँ पर जो है राम जी हैं, लक्ष्मण हैं, सीता जी हैं, हनुमान जी हैं, और बाकी महाकाल जी हैं, इनका जल रखा हुआ है। तो भोले कितना जल लाए हैं आप हरिद्वार से? भोले इसकी कोई गिनती नहीं है, बोले जल की गिनती नहीं होती। अच्छा कोई गिनती नहीं है? नहीं बोले। तो हरिद्वार में कहीं घूमे भी या बस जल उठा के आया? बोले दो दिन घूमे हरिद्वार में, उसके बाद हम लोग निकल लिए। अच्छा तो मतलब ये कावड़ जो आपने हरिद्वार में तैयार करी, दिल्ली तैयार करवा के लाए? बोले हरिद्वार के अंदर तैयार करी, हरिद्वार में तैयार करी। बोले अच्छा वहीं रुक के, ए टू जेड सारी तैयारी वहीं हुई है। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका हरिद्वार का इस बार का? बोले बहुत बढ़िया था, भीड़ भी काफी थी, पिछली बार से ज्यादा भीड़ थी इस बार भी। तो आपने देखा ये थे भोले जो कि दिल्ली के भोले, तो अभी मुजफ्फरनगर में पहुंचे हैं। आपने देखा इनकी जो कावड़ थी ये नोटों से बनी हुई थी, इसमें 200 के नोट, 100 के नोट, 500 के नोट लगे हुए थे। इन्होंने बताया कि इनके 251,000 रुपये जो है इसमें लगे, मतलब नोट जो लगे हुए हैं 251,000 रुपये हैं। बाकी नोटों की काउंटिंग नहीं है कि कितने नोट हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर ले, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर ले। धन्यवाद।